अपने ब्रेक फेल हो गया ना, अभी चलेगा मगर कुछ टाइम के लिए बस वो। Hey, what's up people? Welcome back to my channel. सीन भाई ऐसा है अभी 11 बज गए, हमें हो गया बहुत ज़्यादा लेट। अब मेरे को निकलना है कारगिल के लिए, तो अपना बैग मैंने पैक कर लिया है, सारा सामान बाइक पे लगा दिया और सारे नए दोस्त बने थे, सबको बाय बोल दिया। लेट इस वजह से हो गया क्योंकि रात में अब सोया 2 बजे। जो नए दोस्त बने थे मेरे, प्रतीक एंड मोहम्मद, उनके साथ रात में इतनी डीप कन्वर्सेशन हो रही थी मैं बता नहीं सकता, और मज़ा आ रहा था। मुझे पता था सुबह निकलना, बट कोई नहीं, चलता है। अभी नींद तो पूरी हो गई है, बट देखते हैं यार आगे का सफ़र कैसा रहेगा। अभी तक तो बहुत ही मस्त रहा है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अभी तक मैंने मेरे ख्याल से 600, 700, 850 किलोमीटर कर लिया है मैंने। भाई कहीं भी जाओ ये सीट जरूर लेना, क्योंकि पहले क्या था, मैं अपनी सीट चेंज भी करवाई है मैंने, उसमें कुछ नहीं करवाई थी, बट कुछ ना कुछ होता रहता था, उसमें दुखता रहता था यार पिछवाड़ा। ये जब से लगवाया ना बहुत ही कंफर्टेबल हो गई। तो अगर आपके पास कोई सी भी बाइक है और लॉन्ग राइड करना चाह रहे हो तो ये कुछ नहीं लगवा दो। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, चलो चलते हैं। भाई अभी यहाँ पेट्रोल फुल कराने के लिए रुके हैं, पेट्रोल फुल हो जाएगा, एक बार फिर निकलते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से 9 लीटर पेट्रोल आ गया, चलो चलते हैं। तो भाई सीन ऐसा यार, बारिश होनी स्टार्ट हो गई है तो अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। 145 किलोमीटर बचा है, और वैसे ही आज मैं लेट हो गया तो 4:30 बजे दिखा रहा था, और पता नहीं आज और कितना लेट होगा बारिश की वजह से। ना अभी चलेगा मगर कुछ टाइम के लिए, बस वो ब्रेक मत लगाना कुछ, क्योंकि आपका पैर कंटिन्यूस पे रहता है। हाँ भाई, तो सीन ऐसा है अभी, हालत बहुत खराब है, बारिश हो रही है बहुत गंदी वाली, और ये सामान तो अपने कर लिया है पॉलिथीन में, तो सामान की तो कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है भाई, जो ब्रेक शू है, अपने ब्रेक फेल हो गया, और अभी ले से पहले कहीं ब्रेक मिलने भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, बट देखते हैं। मैंने शिवम को बोला तो है कि जरा चेक करके बताए कि कहीं पे ब्रेक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आज फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा श्रीनगर, फिर वहाँ पे लगवा के फिर नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। आज का दिन तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। कोई नहीं, देखते हैं आज जैसा भी होगा। फिलहाल तो अभी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, जैसी बारिश रुकेगी तब चलते हैं। तो भाई अभी का सीन ये है, पेट सारे घिस गए हैं, आगे कारगिल तक कहीं भी नहीं मिलेगी। मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा, लगभग 40 किलोमीटर, वहाँ पे जाकर शायद ब्रेक पैड मिल जाए। अभी वापस जा रहा हूँ, बारिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर जाना पड़ेगा वापस। देखते हैं फिर, अगर कारगिल तक नहीं जा पाया आज तो सोनमार्ग तक जाएंगे। ठीक है, होंगे आपके पास कुछ लोकल वगैरह भी मिल जाए अगर फिलहाल के लिए? कहाँ मिल सकते हैं आप, कहाँ जाना है? मेरे को तो कारगिल जाना है, तभी मैं कह रहा था कारगिल में मिल जाएंगे ओरिजिनल। वहाँ तक जाने के लिए भी तो थोड़े बहुत होने चाहिए ना ब्रेक, ब्रेक लगने है ना प्रॉपर। ये घिस गया है ना, ये बचेंगे नहीं बचेंगे। तो भाई यहाँ पे भी एक शॉप मिली, भैया से पूछा है, उनके पास तो है नहीं ब्रेक पैड, ये डिस्क पैड दूसरा लगाने की ट्राई कर रहे हैं, वो लग जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर मेरे को वापस जाना पड़ेगा। और देखते हैं अभी क्या होता है। बचा भी है इसमें कुछ? कुछ नहीं, लेजर पूरा कर लिया है, वही है। इतना होगा स्पेस इसके लिए? पतले जी होंगे, हो जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है। और इनकी हालत तो भाई ये हो गई है, खत्म हो गया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आपने होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो भाई ब्रेक पैड जो है अब डल गया है, और अब अपनी बाइक जाने को तैयार है, तो बस पेमेंट करते हैं भैया के और चलते हैं। बाकी अभी कारगिल में ओरिजिनल भी मिल जाएंगे, तो मैं 1-2 पेयर ओरिजिनल और लेकर रख लूँगा, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो। चलो चलते हैं भाई, बाइक तो तैयार है, अब अपना चलते हैं। अच्छा भैया धन्यवाद। तो भाई अब निकल गए हैं, अब जा रहे हैं, जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अब हो जाएंगे लेट बहुत ज्यादा। बस मैं डायरेक्ट जहाँ भी रुकूंगा फिर तब मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है, बाय। हाँ तो भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रुक नहीं सकता, क्योंकि बीच रास्ते में मुझे रुकने को मना करा है, बट साइड में जो भाई पानी बह रहा है बिल्कुल दूध जैसा है वाइट, मैं यार दिखा नहीं सकता, उधर मेरे को जाना पड़ेगा, बट आर्मी ऑफिशियल रुकने नहीं दे रहे क्योंकि सेफ्टी पर्पस की वजह से। बाकी ये देखो भाई उधर दिखा, हमें यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर बचा है कारगिल, और कारगिल जाना है भाई आज किसी भी हालत में। वैसे तो 4 बजे तक पहुँच जाते हैं हम, बट ब्रेक शू जो खराब हुआ है उसकी वजह से अब हम पहुँच पाएंगे लगभग 6 बजे के आसपास। चलो ये देखो, ये यार फिर आर्मी ऑफिसर रोक लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे कहीं रुकता हूँ तो बताता हूँ आपको, अपडेट देता रहूँगा, ठीक है गाइस। Can't tell you guys, कितना ब्यूटीफुल है यार ये। अब मेरे को लग रहा है भाई सब वसूल हो गए पैसे, जितना मैंने मतलब रिस्क लिया, जो कुछ भी करा, सोलो आने का डिसाइड करा, सब वसूल हो रहा है। ये सारे नज़ारे देख के अब मुझे समझ में आ रहा है लोग क्यों कहते हैं भाई जन्नत है ये, सच में जन्नत है भाई, जिधर देखो उधर खूबसूरती है। मैं भाई बयां नहीं कर पा रहा हूँ क्या फील कर रहा हूँ। आई होप आप वीडियो में देखो तो शायद आप फील कर पाओ, शायद। और अभी क्या हो गया है, थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट हो गई है, मेरे को कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, कहीं रुक के मेरे को जैकेट पहननी पड़ेगी। वो देखते हैं जहाँ भी मेरे को स्टॉप मिलेगा वहाँ रुक के पहले तो सबसे पहले जैकेट पहनूंगा एक, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है। अब बूंदें पड़ रही है बारिश की थोड़ी थोड़ी धूप है, बट स्टिल मैं चले जा रहा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है यार मैं बयान नहीं कर सकता। बस ये देखो वो भाई यार हर मोड़ पे एक नया चीज़ है, हर मोड़ पे हर जगह जाके एक नई चीज़ दिखाई दे रही है। भाई 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 आराम से जाम लगा हुआ है, मैं थोड़ा देखता हूँ क्यों लगा हुआ है। भाई अभी यहाँ पे रुके, बाइक अपनी वो खड़ी और यहाँ पे आई थिंक टोल टैक्स है किसी चीज का, तो गाड़ियों के लिए टोल वगैरह कट रहा है। बाकी अभी यहाँ पे चाय पीते हैं और चलते थोड़ी देर में। ठीक है, बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदे हो रही है, देखते हैं आगे आगे बारिश मिले ना तो ज्यादा बेटर है, चाय लेते चलते हुए। तो भाई बाहर तो बारिश हो रही बहुत ज्यादा, इसलिए हमने चाय और पकौड़ी ले लिया, खाते हैं अपना और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, चलते हैं फिर। भाई बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाले रेनकोट से बचा तो जाएगा नहीं, पैर पूरे गीले हो गए। तो यहाँ पे रेनकोट लेने के रुका हूँ, भैया ने ये वाला रेनकोट दिखाया और ये वाला पैरों पे भी पहना जा सकता है, तो पैर भी बचे रहेंगे। बाकी अगर भीग जाएंगे और आगे ठंड भी बहुत है तो दिक्कत होगी, इसलिए ये वाला रेनकोट ले लिया। कलर है इसमें और कोई कलर यही आता है, यही आता है। चलो ठीक है, थैंक यू भैया, वेलकम। तो भाई ये रेनकोट पहन लिया और अब निकलते हैं यहाँ से, लगभग 100 किलोमीटर बची है अभी और मौसम तो वैसे लग रहा है साफ सा हो जाएगा, बट मौसम का कोई भरोसा नहीं कब तरसने लगे, इसलिए रेनकोट लेना जरूरी था प्रॉपर। क्योंकि सीन क्या हो रहा था, ऊपर से तो वो वाला रेनकोट बचा रहा था बट नीचे पैर पूरे गीले हो रहे थे और शूज वगैरह सब गीले हो गए। अभी है शूज तो गीले होंगे बट नीचे लोवर बचा रहेगा और ठंड थोड़ा कम लगेगी। बाकी निकलते हैं यहाँ से। भाई हाथ वो सीन ऐसा है, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे और मेरे को लग रहा था फ्रोजन बाइट ना हो जाए, तो इसलिए अभी मैंने बाइक रोकी और उसके इंजन पर हाथ लगा के अभी हाथ गर्म करे हैं, तो तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। बाकी भीग तो पूरा ही गया हूँ, रेनकोट का कोई फायदा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है रेनकोट के अंदर पानी जा रहा है, पानी कैसे जा रहा है मेरे को नहीं पता। अभी भी ठंड में बहुत ज़्यादा काँप रहा हूँ और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं ज़ौजिला, तो यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और मैं अपने हाथ गर्म कर रहा था लिटरली। जितना मज़ा आ रहा था अभी तक उतना ही डिफ़िकल्ट हो गया है। और मैप का मेरे को पता नहीं है अभी कितने किलोमीटर होता है, मैं अभी देखा नहीं, अभी जस्ट हाथ गर्म करे। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि फिर वो फ्रोज़न बाइट ना हो जाए, क्योंकि अगर फ्रोज़न बाइट हो जाएगी ऐसे में तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। फीवर वगैरह आएगा तो एक बार को उसकी मेरे पास दवाई है तो सही हो सकता है, बट फ्रोज़न बाइट ना हो जाए। बाकी अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, कुछ लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं, हम भी अपना थोड़ा सा निकाल लिया वीडियो, बस चलते हैं यहाँ से। हाँ थोड़ी देर और हाथ गर्म करता हूँ। ये यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो लगता नहीं फोटो खींच पाएगा, तो 5 मिनट और रुकते। हाँ तो भाई ठंड में हालत मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, कब कपाट रुकी नहीं रही है क्योंकि मैं पूरा अंदर से भीगा हुआ हूँ। बाकी अभी फिलहाल यहाँ पे पहुँच गया है वार मेमोरियल, बोला भी नहीं जा रहा, कारगिल वार मेमोरियल। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं, ट्राई करना। हिम्मत तो हो नहीं रही वैसे, सच्ची बताऊँ तो हो सकता है शायद यहीं पे आज रात का स्टे यहीं ले लूँ। अभी तो मजाक लग रहा था, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तक तो लग रहा था कुछ नहीं होगा, बट आज जो हालत ख़राब हुई है उससे पता लगा सोलो में बहुत दिक्कत है। चलो अंदर चल दे, देखते हैं क्या है। हाँ इधर लाइट है। तो भाई सीन ऐसा है, अभी मैं कारगिल तो पहुंच गया हूँ बट मैंने कोई होटल बुक नहीं कर रखा, तो अभी बस होटल देख रहा हूँ। हाँ तो भाई ये अपना रूम है, आज रात के लिए यहीं पे रुकेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे लूँ रूम, तो मैंने कुछ आर्मी के जवानों से पूछा, उन्होंने मुझे ये वाला होटल सजेस्ट करा कि यहाँ पे सेफ भी है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तो मैं सीधे यहीं पे आ गया। मैंने और कोई होटल पता भी नहीं करा, क्योंकि मतलब पता नहीं यार मुझे अजीब सी वाइब आ रही है, यहाँ आके मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और ये देखो सब भीगे पड़े हैं, जूते वूते सब भीग चुके हैं। सीन ऐसा है, ये वाले सारे कपड़े भीगे पड़े हैं और मैं ठंड में खुद को पा रहा था। आज तो बहुत ही गलत सीन हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, मैं लेट उठा, तो मैं ये सोचा था बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। वहां से निकला तो मुझे लगा था लगभग 4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं वीडियो में दिखाए हुए बाइक के ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक सही कराए। तो उसके बाद फिर बारिश होने लगी। बारिश भी ऐसी नहीं, बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही थी। इधर ग्लेशियर है और इधर बारिश हो रही है, तो समझ सकते हो कितनी ठंड है। पूरा भीग गया था मैं, और मेरे पास रेनकोट भी ये वाला रेनकोट था, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर के लिए सही हो रहा था, नीचे पूरा भीग गए थे शूज वगैरह। फिर मैंने ये वाला रेनकोट लिया, मुझे लगा चलो अब थोड़ा सही हो जाएगा। फिर मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैं वीडियोस तो बना नहीं पाया क्योंकि इसी फोन से मैं नेविगेशन कर रहा था, क्योंकि वाटरप्रूफ ये फोन है। इतनी ठंड लग रही थी कि मेरे हाथ ना लाल हो गए थे। मेरे को ऐसा लग रहा था फ्रोजन बाइट ना हो जाए, क्योंकि फ्रोजन बाइट बहुत खतरनाक होती है। फिर तो फ्रोजन बाइट हो जाती है तो उंगलियां कटवानी पड़ती है। बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई थी मेरी उंगलियां। वहां से किसी तरह चले, तो बीच में क्या हुआ, 2 घंटे के लिए हमें रोक लिया। और 2 घंटे के लिए भाई ऐसा वैसा भी नहीं, कोई VIP आ रहा था, तो 2 घंटे तक मैं बारिश में खड़ा हुआ भीगता रहा बस। और भी हमारे साथ मतलब बहुत सारे लोग थे, लगभग 20-25 बाइकर्स होंगे, सब भीग रहे हैं 2-3 घंटे तक। क्यों? क्योंकि एक VIP आए थे, वो जा रहे थे, तो उनके लिए सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। जो भी है, बट हमारे हिसाब से तो गलत ही था हमारे लिए। तो हम 2 घंटे वहां पे वेट कर रहे थे, उतने में तो हम और आगे पहुंच जाते। बस यही रहा आज पहली बार सोलो ट्रिप के तीसरे दिन में मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं सोलो क्यों आया। बट वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बस अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। बीच में मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कहीं पे भी रुकने का सीन नहीं था। पूरे रास्ते में ठंड में कपकपाते हुए आया हूं कि अंदर से तो कपड़े गीले ही थे, बाहर से ये थे रेनकोट, तो पहले गीले हो चुके, तो उन्हें थोड़ी सही कर देंगे। बट सही है यार, जैसा भी है सारे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। एडवेंचर धीरे धीरे एडवेंचर बढ़ता ही जा रहा है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं भाई। बाकी अभी मैं नीचे जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। बाकी मुझे अब मजा आ रहा है सोलो राइड में। सोच रहा हूँ मैं इस राइड के बाद शायद वाली राइड में सक्सेसफुल हो गई तो मैं आगे भी जाऊंगा। बीच में यार मैं बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहे थे बीच में। बट वही है, मैं भीग रहा था, बाइक भी चला रहा था, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से शूट करूँ। और कहीं भी रुकने के लिए अलाउड ही नहीं था, तो रुक भी नहीं पा रहा था। दिमाग में बस ये था किसी तरह कारगिल पहुंचना है आज, बाई हुक या बाई क्रुक, कैसे भी। मुझे लिटरली बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, मुझे फील ही नहीं आ रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा, बट पहुंच गया यार। अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता यार क्या इमोशन चल रहे हैं मेरे अंदर। बीच में तो मैं एक बार मेरी आंखों में आंसू से भी आ गए थे कि यार क्या कर रहा हूँ मैं क्या यार, छोड़ो चलो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। कल हम जाएंगे लेह, तो देखते हैं लेह में क्या होगा। बस मैं यही प्रे करूंगा कि यार बारिश ना हो, बाकी सब चीजें भी देखी जाएंगी। ठीक है यार, जो प्रॉब्लम होगी देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।